दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के हिंसक वारदातों के बाद प्रदेश और खासतौर से बरेली में बुद्धिजीवियों ने बैठकर चिंतन मंथन शुरू कर दिया है कि आखिर देश की दिशा और दशा क्या हो रही है, लोकतंत्र आखिर करवट क्या ले रहा है। कहीं ना कहीं जज का आनन फानन में ट्रांसफर, एक नेता का आपत्तिजनक बयान इत्यादि, पुलिस पर फायरिंग, पुलिस पर हमला, अपराधियों की भीड़ में पुलिस के भी सहयोगी होने की वीडियो जो वायरल हुई हैं, उन सब ने बुद्धिजीवियों को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं इस देश का ताना बाना है हिंदू और मुस्लिम एकता, यानी दोनों ही फिरकों के लोग मिलकर इस देश के अंदर रहते रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में भी दोनों ने सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर किया है। किसी को कम और ज़्यादा आंकना ठीक नहीं है, खासतौर से वर्तमान मौजूदा लोकतंत्र के लिए। बरेली के प्रेस क्लब में उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में, उनकी सरपरस्ती में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने एक गोष्ठी की है और उसमें खुलकर विचार व्यक्त किए हैं कि दिल्ली की घटनाओं के संदर्भ में पत्रकारिता का क्या रोल हो, क्या भविष्य होने वाला है। आइए दिखाते हैं, आपको भी सुनवाते हैं क्या बोले हैं बुद्धिजीवी पत्रकार। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। तो सबले पत्थर जलाया गया, लूटा गया, तो कोई आदमी अगर सामने से जा रहा है और दुकान लूट रही है, मान लीजिए किसी आभूषण की दुकान ही लूट रही है, तो जो एक आदमी शरीर खड़ा है हो सकता है उसे कोई चीज दिखाई देगी, वो भी समेट कर हो जाएगा। क्या आप वैसे होते हैं या वैसी बातें करते हैं? सभी लोग आपस में जब मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, खराब बात कहीं नहीं कही जाती, गाली कहीं नहीं की जाती। देश में भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसी वजह से हिंदू मुस्लिम विवाद जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, व्यापार और ये सब चीजें आप खाली उन 110 या 10 करोड़ जितने भी बता रहे हैं चले गए हैं उनको मत देखिए, चलिए थोड़ी देर के लिए आप मुझे ये बताइए कि नहीं आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, ये बताइए मुझे कि दो दिन पहले से दिल्ली हाई कोर्ट का जज कहता है कि देश छोड़ के चले गए, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ सुप्रीम कोर्ट, देश छोड़ के चले गए, क्या करें हम? अब भी अगर हमारी आंख नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूँ हम बहुत बड़े संविधान की कसम खाई गई है, हर छोटे बड़े जनप्रतिनिधि संविधान की कसम खाई और संविधान के खिलाफ देश को नहीं चलाया। पहली बात तो जो मैं महसूस करता हूँ, आप सहमत हो न सहमत, बोलने दीजिए भाई, अरे एक मिनट बोलने दीजिए भाई, मेरा बोल दिया, संविधान की अगर कसम खा के आप संविधान के हिसाब से काम नहीं करेंगे, जाके वहां चौपट पे सब झुकाएंगे पहले संसद के, तो ये फॉर्मेलिटीज तो नहीं, लेकिन अंतर मन तक आप उस संविधान का सम्मान कितना कर रहे हैं ये मायने रखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज बढ़ रहा है। न्यायपालिका पहले किस तरह स्वतंत्र नहीं रही, तो हमारे कुछ साथी जब से मैंने बोलना शुरू कर दिया तो भाई न्यायपालिका में विसंगतियां आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? जब उसे राजनीति से उसे भी प्रभावित करने की कोशिश करोगे तो हर समय नहीं होता कि वो आपके पक्ष में हो या इनके पक्ष में, विसंगति तो विसंगति है, उसका दंश उसको झेलना पड़ेगा, ये समय बताता है। और उस दंश को आप छोड़िए, पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, जैसे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में विपक्ष के लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है और सत्ता पक्ष जो है पूरा ढींगरा जो है उसमें फोड़ दे रहा है। तो ये जो पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें किस सौंप रहा है, विपक्ष वाला भी मौत में है और पक्ष वाला भी मौत में है, संविधान में सब चीज की व्यवस्था
या तो उस संविधान को एकदम छोड़ दीजिए, अगर और कोई आपको सत्ता बदलनी चाहिए तो कानून पास करके संविधान को खत्म कर दीजिए और दूसरी पद्धति लाइए और उसकी नीति के तहत काम करना पड़ेगा। अब आप कलम के स्वतंत्र सिपाही नहीं रहे, आप बंधुआ मजदूर हो गए हो मीडिया हाउसेस के। चोला चोला सिर्फ हमने पहन रखा है पत्रकारिता का, कुछ नहीं है और भ्रम है, आपका बदल नहीं रही है, भ्रम है सिर्फ हम लोगों का। तो इस इन परिस्थितियों में फिर भी उन परिस्थितियों में हम जितना जो कुछ करता है क्योंकि तो पत्रकार के लेवल पे ये कमाई का धंधा नहीं है। आधे से ज्यादा पत्रकारों में मैं आज भी देखता हूँ कि जुनून है, एक स्प्रिट है, एक मिशन है। अन्य जिलों के मुकाबले मैं आपको ऐसा नहीं आप लोगों की मुंह देखी कर रहा हूँ, हमारा बरेली का मीडिया बाई एंड लार्ज बहुत अच्छा है। बैठे सबने सार्थक बात की, ये बहुत अच्छा लगा। समाधान सिर्फ एक है, वो है खिचड़ी। ये सिंबॉलिक भी है क्योंकि मेरे देश की जो तासीर है वो उसकी भूख भी इस खिचड़ी से ही मिट सकती है। संविधान की पहली लाइन लिखी है हम भारत के लोग, और अगर ये हमको हमने तोड़ दिया तो खत्म हो जाए। जैसे दादा ने कहा, या तो हम कोई और व्यवस्था चुन लें, हम सारे लोग मिलके कहें कि संविधान को हमने फाड़ दिया, भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें अब एक दूसरी व्यवस्था चाहिए। हमारे बगल में चाइना में दूसरी व्यवस्था है, हम नॉर्थ कोरिया में दूसरी व्यवस्था है, रशिया में दूसरी व्यवस्था है, ईरान में दूसरी व्यवस्था है, हम उसको एडॉप्ट कर लें। कर ले तो कर ले, कोई बात नहीं, माना जाएगा। लेकिन विषय यह है कि अगर हमें ये जो हम लोग जो बैठे हैं इस पक्ष में, जो लोग बैठे हैं, आप सब में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे कोई कहने गया हो चलो भैया जरा पत्रकार बन जाओ, गया था कोई बताओ? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर किसी ने गुंडी घटकाई हो कि यार आप बहुत सुंदर हो, आप जरा ना पत्रकारिता करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये आपके अंदर की आवाज थी, ये आपका प्रारंभ था जो आप पत्रकारिता करने आए। और जब आप पत्रकारिता करने आए हो तो ये ध्यान रखना कि ये 125 करोड़ लोग आपकी तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देखते हैं। आप जो व्याख्या करते हो उसको लोग समझते हैं, आप जो छोटा सा भी लिखते हो वो अगर समोसे के साथ भी रख के जाता है और कोई पढ़ता है उसको 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो भी उसके जहन को बनाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट हो